तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कैसे हमें रीजनिंग प्रिपेयर करना है, कैसे हमें रीजनिंग के बेसिक से लेकर एडवांस तक सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करते करते बहुत से नए नए चीजें हम सीखते हैं, उन नए नए चीजों को इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको प्रॉपरली कैसे हम मॉक्स में इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या होना चाहिए हमारे सीक्वेंस ऑफ स्टडिंग और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, जिससे कि एग्जामिनेशन में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ सकें और हमारे स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये सारे के सारे चीजों के ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। और ये जो इंटरफेस आप सभी के सामने दिख रहा है, एग्जैक्ट इसी इंटरफेस से मैंने आपके लिए डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो क्वांट के ऊपर बनाया था, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी भी मैंने उसी टाइप का ही चीज रखा कि मैंने ये देखा कि यहां पे हमारे पास तीन किस्म के एस्पिरेंट्स जुड़े हैं इस चैनल में। तीन किस्म के एस्पिरेंट में सबसे पहले होते हैं बिगिनर्स, जिनको अभी तक कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कुछ कैसे पढ़ना होता है। इंटरमीडिएट स्टेज, जो कि हार्डली अपने आधे या फिर 75% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस कैसे करें, मॉक्स कैसे लगाएं, पेपर क्या आता है, पेपर में क्या कैसे आता है, वो सब कैसे जाने वो। और थर्ड कैटेगरी जो है वो है रिपीटर्स कैटेगरी, जो कि ऑलमोस्ट अपने प्री एग्जामिनेशन के क्लियर होने के कगार पे हैं, या फिर प्री एग्जामिनेशन तो निकाल लेते हैं लेकिन मेंस में थोड़ी कठिनाइयां हो रहे हैं, मतलब जिसके वजह से उनका थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। और ऐसे भी इस इंटरमीडिएट स्टेज में या फिर रिपीटर स्टेज में मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग रीजनिंग के वजह से अटके हुए हो सकता है आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अटके हुए हो, रीजनिंग आपका पार हो। तो सारे के सारे लोगों के लिए ये वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले खूबसूरत खूबसूरत सवालों का खूबसूरत खूबसूरत जवाब मैं देने वाला हूं। जितने लोग बिगिनर्स हैं एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या ये आपके मन के अंदर का पूरा भावना को प्रकाश किया गया है? मेरे ख्याल से तो हाँ। सबसे पहले तो ये चीज कॉमन है, सिलेबस कंप्लीशन एक प्रॉपर और स्मार्ट वे में कैसे होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, हमेशा जैसे बताता हूं। लेकिन उससे पहले यहां पे हम चर्चा करेंगे, कैन वी सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस बाय ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एजुकेटर्स? क्या अगर मैं रीजनिंग किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ना पढ़ के या किसी एजुकेटर को ना फॉलो करके खुद से रीजनिंग के सवाल बना सकता हूं? द आंसर विल बी अ बिग यस। आप लोग एग्री करोगे? मेरे ख्याल से तो हाँ, क्योंकि भाई साहब एक आदमी एक जगह खड़ा है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बचपन में मैप कभी भी कब पढ़े होंगे तो 7 मीटर ईस्ट चला देना, फिर नॉर्थ को चला देना 5 मीटर, फिर राइट घुमा देना, लेफ्ट घुमा देना, आप कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इनइक्वालिटी वगैरह छोड़ दो, सिलोगिज्म वगैरह छोड़ दो, पजल्स 3 टू द लेफ्ट 4 टू द राइट नहीं कर सकते? अगर आप चाहो तो हाँ किया जा सकता है। लेकिन अब अगर ये यस है, देन व्हाई शुड वी फॉलो एजुकेटर्स फॉर रीजनिंग? देन एजुकेटर्स को हमें क्यों फॉलो करना चाहिए रीजनिंग के लिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि आप जो मेथड करते हो, जो लगाते हो रीजनिंग के क्वेश्चन में खुद सॉल्व करने के लिए, वो बेसिक भी नहीं कहा जाता, वो आपका कॉमन सेंस है। एग्री करोगे? जो कि आपका कॉमन सेंस है, आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो और आंसर तक पहुंच रहे हो। बट उसका एक यूनिक अप्रोच, एक खूबसूरत अप्रोच होता है, जिस अप्रोच से अगर आप जाओगे तो आपके कॉमन सेंस में जो सवालों के जवाब 1 मिनट 1.5 मिनट लगते हैं, वो एक प्रॉपर अप्रोच के साथ 30 सेकंड 40 सेकंड में बनेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेने के लिए आपने ये सुना होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, ऐसा करके कुछ भी लैंग्वेज बोल देता है। तो आप लोग क्या जाते हो, आप लोगों को सपोज कहा गया विच एलिमेंट इज 7th टू द राइट, में ऐसे लिख दे रहा हूं 7th टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज 11th फ्रॉम राइट एंड। जो बंदा राइट से, अब देखो इसको अगर आप लोगों ने अपने बेसिक दिमाग से 3 बार आपको इस लाइन को पढ़ना होगा, जैसे कि आपको पूछा गया है हु इज 7th टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, आप 3 बार पढ़ोगे हाँ ये होगा वो होगा, अंत में आप एक अपने इंग्लिश ही तो है, ट्रांसलेशन ही तो है, कॉमन सेंस ही तो है, आप लगा के कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका बेसिक अप्रोच, फाइनली आप यहां पहुंचोगे कहां कि सर मैं इस राइट एंड से 11th टर्म को चलाता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ 11th, मैंने कहा ठीक है बहुत सही सर, ये वो बंदा आ गया पर्सन हु इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। अब सर एक बात और मुझे बताना है, मैंने कहा क्या, मुझे इस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे इसी पर्सन के 7th टू द राइट में जो बैठा है वो बंदा चाहिए। तो इसके पहले राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, चौथा राइट ये, पांचवा राइट ये, छठा राइट ये और सातवां राइट ये, मतलब आपको इसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपसे कहता कि 11 - 7 कितना होता है तो तुम कहते 4, और अगर मैं कहता कि इसी एंड से चौथे आदमी को ले आओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यही पहुंचता। अरे वाह ये तो मैजिक है, यही है।
आप जब किसी एजुकेटर, मुझसे नहीं, मैं किसी भी एजुकेटर, जो भी आपको पढ़ाते हैं, जो भी क्या एजुकेटर्स, क्या जो एक बार पढ़ ले वो भी ये सब चीजें जान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं कि आपको रीजनिंग सीखना है। अपने कॉमन सेंस के भरोसे रहोगे तो लेट होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। और इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का जो सबसे बड़ा मैटर है वो टाइम। आप कितने जल्दी चीजों को करते हो, कितने कम समय में करते हो और कितने ज्यादा क्वेश्चंस करते हो। तो ये सारे अप्रोच सीखने के लिए क्या अब आपको जवाब मिल चुका है कि आपको एक एजुकेटर को फॉलो करना है? यस। व्हाई? टू नो द प्रॉपर अप्रोच। एंड द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड पजल्स आल्सो। आपको सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स खतरनाक लगते हैं ना? जब आप किसी एजुकेटर को फॉलो करेंगे तो एजुकेटर बोलेगा कि ऐसे पैराग्राफ वाइज मत जाना। आपने अगर ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी लिख दिया है, A is third to the left of B लिख दिया, आगे वो अगर C, D, E, आप उसमें दिलचस्पी नहीं, थोड़ा ऐसे 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 करके आना। B के रिगार्डिंग अगर कोई डेटा है कि B is immediate left of D, वो लास्ट से होगा, तो आपको इमीडिएट पता चल जाएगा कि B अगर D के इमीडिएट लेफ्ट में तो D यहां पे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग में गए थे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, देयर इज वन पर्सन बिटवीन D एंड C, तो D के इधर भी एक पर्सन छोड़ के C हो सकता है इधर। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने के तरीके होते हैं कि आप कनेक्ट करो पैराग्राफ को पूरा, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस ऊपर से ही पढ़ते जाओ, बीच बीच में इन अल्फाबेट्स जो आपको ऑलरेडी इस्तेमाल किए गए हैं उनका हेल्प लेना होता है। तो ये चीज आपको एक प्रॉपर एजुकेटर ही गाइड कर सकता है। तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए ये कोई बुक आपको हेल्प नहीं करेगा। ये वाला चीज जानने के लिए कि आप ए बी का इस्तेमाल कर चुके हो, पैराग्राफ पढ़ो, ढूंढो ए बी, कोई बुक बोलेगा नहीं। तो इसीलिए मेरा इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही कंक्लूजन है। वो कंक्लूजन क्या है कि जब आप रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, किसी एक एजुकेटर को पकड़िए, मैं या किसी भी एजुकेटर को, उन सब से पूरा का पूरा सिलेबस जो है, सारे के सारे अप्रोच पहले लर्न कीजिए, सीखिए। और हमेशा की तरह जब मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे जब आप चीजों को लर्न करते हो तो आपके दिमाग में इतना एक सवाल आता है, हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट एंड डेली रूटीन। सर मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए और मैं रीजनिंग के पीछे कितना टाइम देना चाहता हूं? ये चीज मैंने क्वांट में भी क्लियर कर दिया था कि जब आप एक लर्निंग स्टेज पे एक बिगनर एस्पिरेंट हो तो आपको समय का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सर ये एग्जामिनेशन अगले महीने है, मैं क्या करूं, उसने पहले तो मुझे सब कुछ कंप्लीट करना। नहीं, ऐसे भागोगे तो सिर्फ एग्जामिनेशन के पीछे भागते रह जाओगे, एग्जामिनेशन कभी पकड़ में नहीं आएगा। आप एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक्स देंगे, खुद को रेडी करेंगे, मेंस लेवल पढ़ेंगे, सब बढ़िया से करेंगे, एक बार पेपर देंगे, एक बार क्लियर करेंगे, 10 बार डिसअपॉइंट नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? आप 10 बार ठोकर खा रहे हो। तो इसीलिए यहां पे इस चीज का कभी मत सोचना कि मैं डेली इतना ही क्वेश्चन करूंगा। नहीं, आप बस डेली अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे इनइक्वालिटी कंप्लीट करना है, आज मुझे सिलॉजिज्म कंप्लीट करना है, आज मुझे मशीन इनपुट आउटपुट कंप्लीट करना है, आज मुझे पजल्स के ये सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके लिए हो सकता है वो दिन कम पड़े, उसके अगले दिन में जाना पड़ सके। तो आपका यहां पे टाइम ये नंबर चीज को नहीं देख के होना चाहिए, टाइम भूल जाओ, आपको एक एरिया, एक पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसको कवरअप करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है सर? इसी से मुझे एक और पॉइंट आपको बताना है कि यहां पे बच्चों का सवाल है कि सर स्पीड कैसे इंक्रीज करेंगे। इस सवाल का भी जवाब अभी दे देते हैं। जब आप चीजों को सीखते हो, जो मैंने यहां पर आपको सिखाया, ये चीज में और भी पॉसिबिलिटी है। ये जितना आपने, बहुत से लोग तो खुश हो गए होंगे, अरे सिर्फ 11 - 7 करना होता है। यहां पर जो राइट राइट है ना, इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। राइट यहां पे हो सकता है, राइट यहां पे, लेफ्ट यहां पे, लेफ्ट यहां पे, राइट यहां पे, लेफ्ट यहां पे, लेफ्ट यहां पे। तो जब आप चीजों को सीखोगे, इतना फास्ट आप 11 - 7 नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभार जोड़ना भी पड़ता है, 11 + 7 = 18, वो भी राइट से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है। तो चीजों को जब आप सीखेंगे धीरे 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 जाएंगे, स्पीड के ऊपर फोकस नहीं, लर्न करेंगे, लर्न करके उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे धीरे। मॉक्स में 5 ही क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन जो करेंगे सटीक करेंगे, परफेक्टली करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो जब आप चीजों को सीखते हैं, कभी समय वेस्ट ना कीजिएगा, वो चीज। और दूसरा कि स्टार्टिंग में स्पीड के बारे में आपको नहीं सोचना, आप बस जो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं, उसी के ऊपर आपको फोकस रखना है। क्लियर? यभी मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि सर यहां पे 2 किस्म के हैं। एक तो ये वाला पॉइंट मैं पहले क्लियर कर देता हूं। शुड आई गो फॉर लीस्ट पॉसिबिलिटीज व्हाइल सॉल्विंग पजल्स एंड अरेंजमेंट्स? ये खूबसूरत सवाल है सर। ये क्या है? जितने लोग पजल्स, ये मैं खासकर बिगनर्स लोगों को तो बताऊंगा ही, इंटरमीडिएट और रिपीटर्स अगर कोई सुनने तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बाद में इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। जब आप पजल्स बनाते हो तो वहां पे पॉसिबल डायग्राम्स बनते हैं, जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट में है तो ऐसे सर्कुलर में 8 लोग बैठाते हैं, तो अगर आपको बोल दिया गया है कि 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो ए के 2 पर्सन इधर छोड़ के बाएं साइड से छोड़ के अगर इनवर्ट फेस करें तो इधर, और ए के दाएं साइड में 2 पर्सन छोड़ के इधर, तो दिस इज कॉल्ड पॉसिबल डायग्राम्स। ऐसे पॉसिबल डायग्राम्स में आप फिट करोगे, एंड में कोई एक ही रिजल्ट होगा जो आपका सेटिस्फाई करेगा आपके पूरे जो पजल्स है, और वही आपका फाइनल डायग्राम बनेगा।
जब चीजें आप बिगनर स्टेज में हो और आपको बोला गया है शुड आई गो फॉर लीस्ट पॉसिबिलिटीज व्हाइल सॉल्विंग पजल्स अरेंजमेंट, उसको बोलना नो, नेवर। अगर एजुकेटर भी कर रहा है तो वो भी मना करना, नो, गो विथ अच्छा खासा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। यही होता है, आप लोग कंजूसी के चक्कर में यहां पे थोड़ा स्पीड, यही स्पीड को गेन करने के लिए आप क्या करते हो, सर इसी स्पीड को गेन करने के लिए मुझे पता है कि मैं दो पॉसिबल डायग्राम में नहीं बना सकता, मैं उसके ऊपर एडजस्ट कर दिया। कभी कभार चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं जहां पे आपका जो अजम्पशन है ना वो अजम्पशन और आप सोच नहीं पाओगे, आपके सोच के परे चला जाएगा, और उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा क्या, डिमोरलाइजेशन, कि भाई साहब इसको और एक बार स्टार्ट करना होगा, मैं तो पूरा उलझ गया। और वो जो दो तीन मिनट आपके जाएंगे, वही चीज, वो अगर दो तीन मिनट जाते तो भी चलता, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे क्लरिकल लेवल का 17 मिनट्स में भी 35 क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन क्या आप इतने मैच्योर हो, नहीं, आप तो दो तीन मिनट के बारे में सोच 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 के अगले पांच छह मिनट वेस्ट कर दोगे। तो हमारा ये दो तीन मिनट किसी भी सवाल में ना वेस्ट हो, इसीलिए जब मैं लर्न कर रहा हूं चीजों को तो मैं पॉसिबल डायग्राम ज्यादा नंबर बनाऊंगा, जितना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ऐसा बना दिया आठ पॉसिबल डायग्राम लेके बैठ गए, नहीं, जितने चाहिए होते हैं। कंजूसी नहीं करना है, बस कंजूसी नहीं करना, जहां एडजस्ट कर सकते हो एक आध कम वो कर लेना, लेकिन पॉसिबल डायग्राम्स में कभी कंजूसी ना करना जब आप लर्निंग स्टेज पे हो, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अब सर मैं बिगनर हूं और मैंने रीजनिंग पढ़ा, मैंने कहा मैंने क्वांट भी पढ़ा, मैंने कहा क्वांट के सवाल सर नहीं बनते, लेकिन रीजनिंग के सवाल बनने चालू हो गए सर, मेरा तो थोड़ा घमंड भी आ गया कि ये रीजनिंग के सवाल मैं आई एम एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, शुड आई गिव इट लेस टाइम, क्या मैं इस रीजनिंग को कम समय देके क्वांट पे ज्यादा समय दे सकता हूं। ये आपका टैलेंट है, अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग इजी लग रहा है तो ये चीज आप जा सकते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका काम है। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि कभी भी रीजनिंग अगर आपका कंप्लीट भी हो जाए, बिगनर हो एक दिन इंटरमीडिएट स्टेज में जाओगे आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप जब भी दे दिया जाए बना दोगे तो एक घमंड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है उस टाइम पे हैश। यहां पे मैंने लेस वर्ड का जिक्र किया, लेस फोकस ऑन टाइम, यहां पे मैंने आंसर कहा यस, हाँ कम समय और कम फोकस दे सकते हो, लेकिन एक टाइम आता है जब रीजनिंग आपका सबसे पहले खत्म होता है, जब आप बिगनर होते हैं ना, तीन सब्जेक्ट लेके चलते हो, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, रीजनिंग सबसे पहले खत्म होता है, और सबसे पहले खत्म होने के साथ सारे क्वेश्चंस बनने भी लग जाते हैं, और उसके बाद जो घमंड आता है वो आपको कहीं ना कहीं रीजनिंग ना पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, वो कभी मत कीजिएगा। आपको अगर इस कंपिटेटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो एक कोड जान लो कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होता, फाइनल वाला, पूरा का पूरा मेंस फाइनल वाला सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपको तैयारी नहीं रोकनी है, और डेली बेसिस पे आपको सारे चीजें करने हैं, क्वांट भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी। जो बंदा जो डेडिकेटेड लिए तीनों चीजों को डेली कर रहा है, और जिसने तो चार चांद लगा दिया मतलब चौका मार दिया, जिसने करंट अफेयर्स भी डेली पढ़ा, जो कि स्टार्टिंग बिगनर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको मन नहीं करता, मैं भी बिगनर था एक दिन में तो मुझे भी मन नहीं करता था, तो उस टाइम पे बात अलग है। लेकिन इन तीन सब्जेक्ट्स को आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन चला जाए और आप नहीं पढ़ोगे, सर मैं कंप्लीट कर चुका हूं सिलेबस अब मैं क्या पढ़ूं, मॉक टेस्ट। तो अगर आप एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे देते हो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर आप सिर्फ एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे देते हो, तो उस 35 क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटी भी मिल गया, सिलॉजिज्म भी मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग या फिर उसी टाइप का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मिल जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, तो एक दिन में जो आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं वो एक मॉक में रिवाइज हो सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स लोग, आपको स्टार्टिंग में मॉक्स नहीं देना, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद। उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने आपके सारे क्वेरीज को पूरे दिल से बड़े भाई की तरह, एक मेंटर की तरह आप तक रखा है। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो एक बार सेशन को, जितने लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये चीजें जो मैंने कहा वो प्रैक्टिकल है या नहीं। अब बात आती है रीजनिंग, अगर सर मैं बिगनर हूं और कंप्लीट करना चाहता हूं तो उसका प्रॉपर एक सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आपने क्वांट में डिटेल में बताया था कि सर पहले इन टॉपिक्स को करो उसके बाद मैं कर रहा हूं और सर डेवलपमेंट हो रहा है दिख रहा है। रीजनिंग का क्या है, सबसे पहले आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, इसके ऊपर काम करना है, ये टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करना है। इससे आप जानोगे कि रीजनिंग में पोजीशंस का क्या मतलब रहता है, ऑर्डर रैंकिंग जिस पोजीशन लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, जो कि अरेंजमेंट पजल्स में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जब आप कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जाओगे तो अल्फाबेट सिंबल्स इन सब के साथ भी आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हो गए होंगे, क्योंकि आपने जिंदगी में सिर्फ अल्फाबेट्स के साथ ही डील किया है, अल्फाबेट्स के बीच में नंबर, उनके बीच में सिंबल, ये सिर्फ रीजनिंग में ही संभव है। तो जो अल्फाबेट सिंबल नंबर इनके बीच का रिलेशन, इनके साथ कंफर्टेबिलिटी कंपैटिबिलिटी, और साथ ही साथ ऑर्डर्स और रैंकिंग, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, मिडिल क्या होता है, ये सब चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगे बेसिक से।
उसके बाद आपको जाना है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में बेसिकली आप लोग सारे के सारे कंपैरिजन बेस्ड चीजें जान जाओगे कि एक जो मतलब रीजनिंग है वो एक्चुअली आपका दिमाग का इस्तेमाल कैसे करने के लिए कहता है, कौन बड़ा कौन छोटा, वो वैल्यूज कैसे मुझे खुद से अपने कॉमन सेंस से लेके करना होता है, तो इनइक्वालिटी। उसके बाद फिर बात आती है सिलॉयजम। सिलॉयजम इसी टाइम पे करने से क्या होगा, जब आपको थोड़ा लग रहा होगा अरे ये तो इजी है, तो उसी टाइम पे उस कॉन्फिडेंस को ग्रास्प करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसी जोश में हम सिलॉयजम को खत्म कर देंगे। सिलॉयजम एक लॉजिकल पार्ट है और इसको कंप्लीट करते वक्त बिल्कुल भी आराम से कीजिएगा, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिएगा। थर्ड टॉपिक सिलॉयजम कवर अप करने के बाद थोड़ा आपको डिमोरलाइज लगा होगा, अरे भाई साहब रीजनिंग इजी नहीं है, थोड़ा टफ है। फिर हम इजी टॉपिक पे आएंगे, क्रोनोलॉजी को समझ रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग। फिर हम आएंगे मशीन इनपुट आउटपुट, जो कि इन्हीं से चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है इसीलिए। और फिर आएंगे ब्लड रिलेशनशिप, फिर आएंगे आप डिस्टेंस डिरेक्शन टेस्ट। आपको पहले इन प्राइमरी या फिर इनको कहा जाता है मिसलेनियस टॉपिक्स को काम करना है, कभी भी इनको खत्म किए बगैर इनके पास नहीं आना, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। इन सारे टॉपिक्स को पहले आपको कवर अप करना है और इस सीक्वेंस से करोगे तो भाई साहब सोने पे सुहागा, गारंटी है मेरा। और दूसरा अगर मैं बात करूं उसके बाद कहां जाना है, तो उसके बाद आपको जाना है सिटिंग अरेंजमेंट्स, जहां पे पैरामीटर्स कम इन्वॉल्व हो और सिर्फ अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान हो कि लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, स्क्वायर बेस में क्या होता है, रो बेस में क्या होता है, फिर आपके पैरेलल रो बेस में क्या होता है, ऐसे टाइप के ट्रायंगुलर में क्या होता है, वो सब हम लोग करेंगे। और फिर उनमें पैरामीटर इंसर्ट करके पजल्स, मंथ बेस्ड, वीक बेस्ड, डेज बेस्ड, कंडीशन बेस्ड, फिर आपका फ्लैटन फ्लोर वगैरह वगैरह चीज, तो आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का जो क्रोनोलॉजी है वो ऐसा रहना चाहिए। अब सर इसको कंप्लीट कैसे करें, ये कंप्लीट आपका कॉल है। मैंने तो आपको एजुकेटर्स फॉलो करने के लिए कहा है, मैं तो कभी आपको किताब सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि किताब से कुछ समझ नहीं आता। इवन मैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किताब सजेस्ट नहीं करूंगा, बताता हूं आपको। आप लोग अगर मुझे या फिर मेरे प्लेलिस्ट, आप अगर मुझसे क्वांट में कंफर्टेबल हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पिच में आप लोग रीजनिंग के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तो यहां पे आपके पास है। लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, ये मैंने व्यूज के वाइज रखा है, जैसे कि थोड़ा अट्रैक्शन मिले कि हाँ 400,000 लोगों ने देखा है, 300,000 लोगों ने देखा है, तो मैंने उसको व्यूज के हिसाब से रखा है। आप इसमें से पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को चुन सकते हो, फिर नीचे जाओगे तो आपको इनइक्वालिटीज मिल जाएगा, उसको चुन सकते हो, फिर आप जा सकते हो सिलॉयजम के पास जा सकते हो, फिर आपको मन करे पजल सिटिंग अरेंजमेंट से आप लोगों के लिए और भी ये चीजें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉयजम का एडवांस कोडेड इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट वगैरह, और जो इसमें बाकी के ये टॉपिक्स नहीं है उनके ऊपर मैं काम करना चालू कर चुका हूं। ये सबसे वीडियो फर्स्ट वीडियो आपको अभी मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मिल जाएगा, फिर आपको ये वाला कोडिंग डिकोडिंग मिल जाएगा और ऑलमोस्ट आपका ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये तीन वीडियो इस महीने के एंड तक, ये तो मिड में मिल जाएगा, सॉरी ये वाला, बाकी दो मिल जाएंगे, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। जब आप लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करके तीन चार टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आपको मिल जाएगा। सर मैंने वीडियो देख लिया, मैंने कहा फिर क्या होगा, मैंने कहा भाई साहब तुमने क्वांट का स्ट्रेटेजी नहीं देखा, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, क्योंकि जो चीजें सीखे वो इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने क्वांट के लिए आपको वैरायटी टेक्स्ट बुक कहा कि आप अगर बिगिनर हो ये करोगे, ये हो ये करोगे, ये बुक ले लेना, ये बुक ले लेना, 4-5 बुक के बारे में कहा था, बट मैं रीजनिंग के लिए कभी बुक नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में मुझे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब मैं बात करता हूं क्वांट की, तो मुझे क्वांट में बुक से ही सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे कि हाँ प्रॉफिट लॉस मैंने खोला, वो क्लियरली देता है कि हाँ डिसऑनेस्ट डीलर यहां पे है, उससे पहले कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, फिर डिस्काउंट, बट्टा, छूट, ऐसे करके वो पूरे क्रोनोलॉजी में है, वेट बेस्ड, आर्टिकल्स बेस्ड। लेकिन यहां पे रीजनिंग में सब कुछ मिसलेनियस है, तो यहां पे मुझे कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए ही नहीं। यहां पे सिर्फ चाहिए तो एक, क्या प्रैक्टिस के लिए सैकड़ों क्वेश्चन, अनलिमिटेड, जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, और ये भाई साहब आपको पीडीएफ बंडल के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। ये चीज आपको पीडीएफ बंडल के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। बिगिनर्स के साथ जो लोग इंटरमीडिएट या रिपीटर स्टेज में है, उम्मीद करता हूं कि आप रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ बंडल का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप मुझे पीडीएफ बंडल लेना चाहते हो तो प्राइस अफोर्डेबल, कोई किसी के लिए प्रमोशन नहीं है, कोई मुझे इसके लिए पैसा नहीं देता, मैं ओपनली कह रहा हूं। आप ही के कमेंट बॉक्स में जो सबसे किफायती और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करता है वो है गाइडली, तो आप उसको ले सकते हो, या फिर आप अनएकेडमी का भी ले सकते हो, क्योंकि अनएकेडमी का भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर मैं बात करूं तो महीने का कितना आ रहा है मुझे नहीं, एक बार देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे। अनएकेडमी का भी जो लाइट जिसको कहा जाता है वो भी आप ले सकते हो, तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। ये वाला कंप्लीट आपका कॉल है, ठीक है। अब ये सब ले लिए सर, हम लोग तो अभी इंटरमीडिएट स्टेज में आ गए, बिगनर्स भी इंटरमीडिएट स्टेज में आ गए, जो लोग हैं इंटरमीडिएट स्टेज में वो तो है। सर मैंने सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट किया, और रिपीटर्स लोग अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो कंजूसी नहीं। आपको क्या लगता है आगे आगे प्रैक्टिस करोगे, पीछे वाला चीज छोड़ के आप बढ़ जाओगे आगे? कभी नहीं।
आपको इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो पहले तो फोकस करो आपके वीक जो लूप होल्स हैं कि कौन सा पार्ट मुझे तंग करता है, पजल्स, अरेंजमेंट्स, डायरेक्शंस एंड स्टेप्स, ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम करता है, उन टॉपिक्स पे अभी समय है थोड़ा काम करने के लिए, तो प्लीज थोड़ा उसके ऊपर काम कीजिएगा। केवाईपी मैंने आपको बताया था, नो ईयर पेपर, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं कि कौन से तरह के क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली मिलते हैं उसके ऊपर। या आप अगर देखना नहीं चाहोगे तो मैं आपको समराइज भी बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताता हूं आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो बंडल पीडीएफ है उसमें से कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना, क्योंकि अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको और ज्यादा चीजें सीखने के लिए नहीं है, तो डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और अल्टरनेट में एक आज क्लर्क का दियो, कल एक पीओ का दो, क्योंकि यहां पे थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा और यहां पे थोड़े कॉन्सेप्ट्स बढ़ाने होंगे, तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलना चाहिए। एंड लास्ट थिंग, फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड, ब्रह्मास्त्र गुरु मंत्र, गो फॉर पॉसिबल डायग्राम्स। आज भी रिपीटर्स लोग वही कंजूसी करते हैं कि भाई साहब मुझे तो पॉसिबल डायग्राम्स लेने ही नहीं है, मैं एक ही में एडजस्ट करके लिख दूंगा, क्यों? क्योंकि सर मुझे स्पीड चाहिए, मैं जल्दी बनाना चाहता हूं। नहीं होता यार, तीन क्वेश्चन, अगर एक एग्जाम में चार पजल्स आए होंगे ना, तीन पजल्स आप समय बचा के कर लोगे, लेकिन जो एक में फंसोगे वही हालत हो जाएगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल कौन है, क्वांट में नंबर सीरीज, जहां पे तीन क्वेश्चन आपने बिना उतारे वहीं वहीं डिफरेंस 13, हाँ 26, हाँ 39, हाँ 52, हाँ 65 कर दिए, लेकिन एक सीरीज आ जाएगा जो आपको नोट डाउन करने पे मजबूर करेगा, और अगर आप नोट डाउन ना करके सोच रहे होंगे तो सिर्फ असमंजस में पढ़ोगे, समय जाएगा। तो वही चीज है पजल में, वही चीज होगा आपके साथ। तीन क्वेश्चन कम पॉसिबल डायग्राम बन सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन वो पॉसिबल डायग्राम मांगेगा और आपको पता नहीं चलेगा वो कौन सा है, तो सब में थोड़ा थोड़ा अगर हम लगा देंगे तो कोई बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। तो ये चीज कीजिएगा, ज्यादा हमें फोकस एक्यूरेसी पे रखना है, कम फोकस स्पीड में रखना है। इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या मैं अभी और रीजनिंग के मॉक्स वगैरह दे रहा हूं, इतने फ्रीक्वेंटली पढ़ा रहा हूं? मैंने खुद अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया है, देखा आपने, मैंने स्कोर कार्ड दिया है, लिंक उसका भी लगा दूंगा। कैसे? क्योंकि मैं स्पीड के ऊपर फोकस नहीं किया, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आराम से चला, मैंने पॉसिबल डायग्राम्स बनाए, वो सब एलिमिनेट हो गए, मैं कहीं फंसा नहीं। रीजनिंग में दिस 20 मिनट इज एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस, बट आपको स्टक नहीं होना है, और स्टक ना होने के लिए मेरा मंत्र अपनाओ, थोड़े पॉसिबल डायग्राम्स बनाओ, जो मैं खुद किया हूं और मैंने रिजल्ट है, ये नहीं कि मैं सिर्फ बात हवा में कर रहा हूं, रिजल्ट है, इसीलिए कॉन्फिडेंसली कह रहा हूं। सर मुझे डेली क्या क्या करने हैं, मैंने कहा देखो ये जो टॉपिक्स हैं चार, इनसे डेली क्वेश्चंस करो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन, ये डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना, पीडीएफ बंडल में आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगा। मिसलेनियस में आपको ब्लड रिलेशन करना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट करना है, वन लाइनर्स, वन लाइनर्स में आपको एक लाइन वाले, एक एक वाले कोडिंग डिकोडिंग मिल सकता है, एक एक वाले वर्ड फॉर्मेशन मिल सकता है, एक एक वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग मिल सकता है, ये डेली बेसिस पे करने हैं आपको। और साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट्स में कौन से सीटिंग अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, पैरेलल और ऑर्डर कंपैरिजन। ऑर्डर कंपैरिजन कौन सा है, जहां पे देता है कि ए इज लाइटर देन बी, बी इज हेवियर देन ओनली सी, ऐसे करके एक सजाना होता है, एक किसी का वेट दे देगा, वो ऑर्डर कंपैरिजन। ये भी अरेंजमेंट्स में आएगा क्योंकि ज्यादा पैरामीटर्स नहीं होते। तो डेली बेसिस पे आपको इतने चीजें प्रैक्टिस करने होंगे पीडीएफ बंडल से। और पजल्स में यही इंपॉर्टेंट पजल्स है, सबसे ज्यादा खाली फ्लोर, फ्लैटन फ्लोर बहुत रेयर आता है, एसबीए पीओ वगैरह में आएगा, नहीं तो क्लरिकल या फिर अब तक जब तक आरआरबी पीओ वगैरह तक चीज रहेगा, खाली फ्लोर बेस्ड पजल्स आएगा। तो फ्लोर या फिर फ्लैट फ्लोर जो मिल रहा है वो डेली बेसिस पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मंथ, डेज और वीक बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स और स्टैक जो एक के ऊपर एक रखना होता है वो इंपॉर्टेंट है। और कंडीशनल बेस्ड, जहां पे तीन ऑर्गेनाइजेशन होंगे, फिर तीन डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहे होंगे, वो कुछ कलर पसंद कर रहे होंगे, तो बेकार बेकार वाला चीज जो है ये कंडीशनल पजल, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यही चीज जो होता है वो एग्जामिनेशन में फंसाता है। और सर एग्जामिनेशन में कौन सा चीज फंसाता है, एग्जामिनेशन में कैसे मुझे अप्रोच लेना है, जैसे कि मेरे मार्क्स मैक्सिमम आए आपने कहा था वो भी बताओगे, उसके लिए मैं इस वीडियो को और स्ट्रेच ही नहीं करना चाहता। या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो आप रीजनिंग बाई कौशिक मोहंती यूट्यूब पे सर्च करोगे तो सबसे पहले ये पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा आप लोगों के पास, बिगनर्स लोग इस प्लेलिस्ट में जा सकते हो। या तो आप ये वाला वीडियो, रीजनिंग स्ट्रेटेजी टू स्कोर 30 प्लस इन एवरी बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस कि पैरेलल लो कब अटेंड करना है, सर्कुलर कब अटेंड करना है, सर्कुलर में मतलब इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड प्लस आउटवर्ड मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, कंपैरिजन बेस्ड, डे बेस्ड, बार, वो सब क्या है और कैसे करना है, एक आधे घंटे का वीडियो है, मैं अभी और स्ट्रेच नहीं करना चाहता, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज एक बार इस वीडियो को देखना और बताना कि ये वीडियो से आपको बेनिफिट मिला कि नहीं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पसंद भी किया है, तो एक बार जरूर से इस वीडियो को जाना। तो उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे रखा है।
कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या कुछ करना होता है, पूरे दिल से ये वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि एक बड़े भाई की तरह आपको गाइड कर सकूं कि रीजनिंग में क्या कुछ दुविधाएं आते हैं और उसको कैसे सामना करना होता है। उस वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो यही कहकर आज के सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अगर पसंद आएगा तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन, क्या मैं बिल्कुल जो कह रहा हूं वो प्रैक्टिकल है या नहीं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस लेके पढ़ना चाहते हो तो 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिल रहा है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा 4 महीने भी आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज अगर आपने सोचा होगा कि नियर फ्यूचर में लेना है, अभी ले लीजिएगा। और इन दोनों डिस्काउंट को अवेल करने के लिए जो कोड है वो कोड लगा सकते हैं आप CD लाइफ। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर एंड लाइफ। इस कोड से आपको आपका मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मैक्सिमम एक्सटेंशन जो है वैलिडिटी वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हो। एक बार मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि खाली पेड नहीं बल्कि फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी शाम के 4 बजे चलते हैं, जहां पोल में हम लोग लाइव टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो कि आपके स्पीड और एक्यूरेसी पे जान डालने की पूरी कोशिश रखता है। और बाकी अगर प्लस की बात करूं तो अभी प्लस में हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है दोपहर 12 बजे, जहां पे अरिथमेटिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं। कब से? 20th of Feb से। तो 20th of Feb से आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं दोपहर 12 बजे। अरिथमेटिक का पहला लेक्चर परसेंटेज का होगा। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।